वेलकम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज एक नया टॉपिक का वीडियो लेके आया हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हम लोग सीखेंगे स्लैम कोन टेस्ट का कैसे प्रोसेस है, कौन सा चीज़ आपको ध्यान रखने का टेस्ट करने का टाइम में। चलिए देख लेता हूँ। ये देखिए स्लैम कोन जो होता है, स्लैम कोन टेस्ट का किसके लिए करना पड़ता है आपको? कॉन्क्रीट का जो वर्केबिलिटी है वो चेक करने के लिए। देखिए स्लैम का जो ऊपर वाला डाया है, कौन का ऊपर वाला डाया है 100 mm, नीचे वाला जो है 200 mm, और इसका हाइट है 300 mm, और उसका साथ एक रॉड रहता है खींचने के लिए, टेम्पिंग करने के लिए। वो उसका 16 mm का डाया रहता है, रॉड का 16 mm का डाया है, और उसका लेंथ कितना 600 mm है। तो चल, उसका स्लैम कोन टेस्ट करने के पहले आपको कुछ चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। क्या फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा, कोन को अच्छा से क्लीन करना पड़ेगा। इसको प्लेस अच्छा एक लेवल जगह में रखिए, एक लेवल एरिया में रखिए स्लैम को। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, इसमें कंक्रीट भरना चालू करना पड़ेगा। लेकिन कंक्रीट जो है इसमें 4 लेयर में भरना पड़ेगा। जैसे 300 का हाइट है ना, चार एक उसमें 4 से डिवाइड कीजिए, 4 लेयर में आपको भरना पड़ेगा। लेकिन एक लेयर में आपको जो टेम्पिंग जो रॉड है, इस रॉड से आपको 25 बार ऐसे ऐसे करके खींचना पड़ेगा। 25 बार आपको खींचना पड़ेगा एक लेयर में। तो 4 लेयर में आपको भरना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट में क्या करना है, इसमें जो साइड में जो क्लिप दिया है, ये नीचे में क्लिप दिया है, क्लिप को आराम से लूज कीजिए। लूज करने के बाद धीरे धीरे इसको ऊपर उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या है, ऊपर उठाने के बाद फिर इसको जो टेम्पिंग रॉड है, टेम्पिंग रॉड में आपको मीटर दिया है, गेज दिया है, उसमें गेज से आपको मापी करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा कितना नीचे डाउन गया स्लैम।
कितना आपको कॉन्क्रीट जो है ना नीचे किया, उसी हिसाब से आपको स्लाम स्लाम का रिजल्ट आ जाएगा। अगर स्लाम का मैं मापी किया मेरा 120 आया तो 120 mm स्लाम है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।